ई खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड में हर हफ्ते नई नई फिल्में रिलीज होती है, इसमें कई फिल्में हिट तो कई फ्लॉप भी हो जाती है। आज 15 अगस्त के दिन के मौके पर हम आपको बताते हैं कि 15 अगस्त पर कौन सी फिल्मों की कमाई टॉप 5 पर रही है। तो आपको बता दूं कि इस रेस में भी बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान आगे हैं। जी हाँ, सलमान की फिल्म एक था टाइगर बॉलीवुड में 15 अगस्त के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32.93 करोड़ का बिजनेस किया था। ये फिल्म का रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। बात करें हम दूसरे नंबर की तो बॉलीवुड के एक्शन के देवता अजय देवगन की फिल्म सिंघम रिटर्न से, जिन्होंने 32.09 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बदर सिनेमा है, जिन्होंने 21.43 करोड़ की कमाई की थी। चौथे नंबर पर भी अक्षय की फिल्म रुस्तम है और रुस्तम ने 17.81 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब बात करें हम पांचवें नंबर की तो पांचवें नंबर पर भी अक्षय कुमार ही है। अक्षय की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा ने किया था और उनका कलेक्शन 11.25 करोड़ का रहा था। अब देखना यह है कि हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा टॉप 5 के लिस्ट में शामिल होती है कि नहीं। इसको लेके आपके क्या कमेंट्स हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और नई खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।